नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। हर पहल आपके साथ। मगध संवाद खास, आज की दो बड़ी खबरें। सितंबर 2015 के बाद भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे पारिवारिक पेंशन की लाभ। सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों की पेंशन की शिकायतों का निपटारा अब 2 माह में। आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्यों में मृत्यु होने पर सरकारी कर्मियों के आश्रितों को मिलेगा पारिवारिक पेंशन। अब पूरी खबर विस्तार से। राज्य में 1 सितंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों के आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत 10 लाख रुपये नकद देने का भी प्रावधान रखा गया है। इसी तरह बिहार में चुनावी कार्य में हिंसा में घायल या बीमार या सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। इसकी लाभ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी मिलेगा। वहीं राज्य में सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा अब 60 दिनों में हो जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने शुक्रवार को पेंशन संबंधी मामलों से संबंधित शिकायत निवारण नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सेवा और सेवांत लाभ का तेजी से भुगतान किया जाएगा। साथ ही कोर्ट केस के मामले में कमी आएगी। हरेक जिला और विभाग में सेवा शिकायत निवारण अधिकारी तैनात होंगे। राज्य में सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या लगभग 4 लाख है। वहीं हरेक वर्ष लगभग 10,000 कर्मी रिटायर होते हैं। बता दें कि कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि जिला में एडीएम या उनसे ऊपर और विभाग के उप सचिव या उनसे ऊपर के अधिकारी को ही यह जिम्मेवारी मिलेगी। शिकायतकर्ता ऑनलाइन आवेदन देंगे। आवेदन करने के तुरंत बाद उनको सुनवाई की तिथि की सूचना भी ऑनलाइन मिलेगी। वे चाहे तो खुद भी सुनवाई में मौजूद रह सकते हैं। सुनवाई की तिथि पर संबंधित अधिकारी को बुलाकर देर की वजह पता की जाएगी, लेकिन हर हाल में मामले का निपटारा 7 दिनों के भीतर कर देना होगा। अगर संबंधित अधिकारी पेंशन विवाद का निपटारा समय सीमा के भीतर 60 दिनों के अंदर नहीं कर पाया तो जिला में डीएम और विभाग में सचिव या प्रधान सचिव के पास इसकी अपील की जा सकेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों की पेंशन की शिकायतों का निपटारा अब मात्र 60 दिनों यानी 2 माह में कर दिया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।